हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन चैप्टर की ओर। मेंसुरेशन चैप्टर में हमने सर्कल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम सर्कल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में, परिधि सर्कमफेरेंस, ठीक है, व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है, में अंतर 30 सेंटीमीटर का है। तो क्वेश्चन ने बोला तो वृत्त का एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्कमफेरेंस मतलब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। डायमीटर मतलब व्यास, तो डी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ वो कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। डी को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, डी को हम बोल सकते हैं 2R। अब कैसे, अब देखो एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल की डायमीटर होती है ये, इसके अगर दो टुकड़े कर दूँ, डी क्या है मेरी, ये पूरी है, दो टुकड़े कर दूँ R और R, तो मैं डी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू 2R बोल सकता हूँ कि नहीं। तो डायमीटर जो होता है वो 2R के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, डी की जगह पर रख देते हैं 2R, ये तो हो जाएगा 2πr माइनस 2R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, 2R कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा, पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 माइनस 2R तो बाहर हो गया, यहाँ कितना बचा 1 इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। दो से काट दूँ, दो से कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। R तो हमें फाइंड आउट करना है, आर हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 22 में से 7 गए तो 15, तो आर इंटू 15/7 इक्वल टू कितना है 15, 15 से 15 गया, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया, जब रेडियस मिल जाती तो सर्कल का एरिया निकालना बहुत आसान है, तो पाई आर इसको लगा दो, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 है, इंटू आर कितना है मेरा, 7 × 7 स्क्वायर है ना, तो इस वजह से 2 times 7 से 7 कट गया, बचा कितना, 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 11, 7 × 2 = 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नोट करके आप अपने नोट्स अच्छे से बना पाओ, ठीक है, क्योंकि सारे सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या क्या है, जो ओरिजिनल रेडियस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तब देखो, पहले मैंने सोचा कि एक मेरे पास सर्कल है, उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। अब मैं अगर बात करूँ पहले वाली रेडियस की, पहले रेडियस मैंने मानी आर, अब रेडियस उसने कर दी r+1, पहले रेडियस r थी, अब हो गई r+1, 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है क्वेश्चन। लेकिन अब मैंने यहां पे देखा कि जब मेरी r थी उस टाइम पे एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा, लेकिन इस टाइम पे एरिया क्या हो गया, इस टाइम पे एरिया कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r+1 का होल स्क्वायर, एरिया बढ़ गया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये एरिया, ये एरिया, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो किसके बराबर होगा, डिफरेंस जो बराबर होगा वो 22 के होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अच्छा, 22 सेंटीमीटर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम त्रिज्या को बढ़ा रहे, रेडियस को बढ़ा रहे, इस वजह से 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो अभी एक काम कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, इक्वल टू 22 के रख दीजिए, अपना काम हो जाएगा। ये क्या है मेरा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, पहले तो ये बताइए भाई, रेडियस जब बड़ी है इसकी तो ये इसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने रख दिया पाई आर प्लस वन का स्क्वायर, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर
इक्वल टू कितना है भाई, कितना बढ़ रहा है भाई, ये नया वाला था ठीक है, मैंने मान ली नया है, माइनस ये होगा करीबन 22 माइनस करेंगे तो कितना होगा 78 ठीक है। तो मतलब ये पहले वाले सर्कल का एरिया था और ये नए वाले सर्कल का एरिया है, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे तब जाकर हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो इसलिए बड़े वाले सर्कल का एरिया मैंने फर्स्ट पर रखा हुआ है। इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, अभी कॉमन हाँ पाई आ सकता है ठीक है, तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, इसे ओपन कर लें, आर स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू आर माइनस आर स्क्वायर बचा यहाँ पर, क्योंकि पाई तो बाहर हो गया, माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर ये कट गए, इक्वल टू कितना है 22 है, 22 है। अब एक काम कर सकते हैं, इस पाई की वैल्यू में पुट कर दूँ कितनी, 22/7, तो इस 22 से ये 22 कट गया, 7 का कैची गुणा कर दो उधर, तो कितना बचा 1 + 2r इक्वल टू बचा 7, तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो 2r इक्वल टू हो जाएगा 6, तो r इक्वल टू कितना आ जाए 3 आ जाएगा। वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि तीसरे वृत्त की वास्तविक त्रिज्या, तो वास्तविक त्रिज्या कितनी होगी 3 हो जाएगी, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, 3 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त है मेरे पास, एक और ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसकी रेडियस थोड़ी सी बड़ी है, ये है 5 सेंटीमीटर की और ये है 12 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ठीक है। 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर के दो वृत्त, एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इनका पहले एरिया निकाल लेते, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर कितना है 5 का स्क्वायर, रेडियस तो 5 है ठीक है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा पाई 12 का स्क्वायर, इन दोनों का योग जो है वो तीसरे वृत्त के, वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मतलब इनका योग करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, एक तीसरे वृत्त के, और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, आर करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बात बताओ इसमें कॉमन ले लूँ, हाँ पाई कॉमन ले लूँ, पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 12 144 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई, ये कितना है आर स्क्वायर, पाई से पाई उड़ा दो, 25 और 22 कितना हो 549169 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है आर स्क्वायर है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे रूट लग जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना होगा रूट के अंदर 169, 169 कितने का होता है 13 का होता है सेंटीमीटर, ये हमारी क्या निकल के आएगी रेडियस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा था, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 13 सेंटीमीटर होगी, फटाफट से नोट कीजिएगा, ये हमारा राइट आंसर है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है कि आप सीख पाओ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा 4 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ने हमसे बोला है किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल समान है, किसी वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों समान है। अच्छा सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr बराबर है किसके पाई आर स्क्वायर के, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गई, बचा कितना आर इक्वल टू कितना निकल के आ गया 2, जो भी यूनिट है वो यूनिट चिपका देंगे ज़्यादा कुछ नहीं ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसमें यूनिट तो दी नहीं है, आप यूनिट मत लगाइए तो ठीक है ओके। रेडियस निकल के आ गई 2, क्वेश्चन ने पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई की वैल्यू पाई रख दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 आ जाएगा, तो इसी में बोल सकता हूँ 4π, या तो 4π में आंसर होगा, या फिर हो सकता है 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7,
या तो 22 चौक 88 बटे 7 हमें दिया गया होगा, नहीं तो फिर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, जो ऑप्शन के ऊपर हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर करके। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से एक ही बार में समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है मेरे पास, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना बोल रहा क्वेश्चन। आगे बोल रहा है, इस वृत्त को दो छोटे छोटे, मतलब इससे छोटे संकेंद्रीय वृत्तों, मतलब कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल कितने हैं, 2 हैं, तो इसके अंदर 2 सर्कल बनाए गए, ठीक है, इधर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा ना, ठीक है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल बनाए गए, उसके बाद बोला गया है कि 3 समान भागों में बांटे गए, मतलब इनका जो एरिया है वो तीनों का समान है, मतलब इसका अगर 1 है तो इसका भी 1 होगा और इसका भी एरिया 1 होगा। ओनली कितने का, ओनली इतने का, ये वाला जो बात है ना, ये वाला, तो इसका एरिया बने, इसका भी एरिया बने, इसका भी एरिया बने, ऐसा नहीं है कि इतने का एरिया बने फिर पूरे का एरिया बने फिर और पूरे का एरिया, ऐसा नहीं है, जितना आपको दिखाई दे रहा है उतने का एरिया बने सिर्फ, समझ गए, जितना आपको दिखाई दे रहा है उतने का एरिया बन है, क्योंकि 3 समान भागों में, अगर आप 10 10 10 मानते हो तीनों का, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 20 20 20 मानते हो, लेट करो तो तीनों बराबर ही लेट होंगे। ठीक है, लेट नहीं, इनका रेशियो जो होता है 1:1:1 के रेशियो में ही होता है, कट के। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोला है कि योग कहां पहुंच गए हम, तो इस प्रकार बने सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें ये फाइंड आउट करना है, ये वाली छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, मतलब इसका हमें एरिया भी निकालना है। ठीक है, पहला काम है हमारा आर निकालना, और फिर उसके बाद आर मिल जाएगी तो हम एरिया तो निकाल सकते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले रेडियस, अब एक बात बताओ यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है, एरिया 1 मतलब पहला वाला सर्कल ये है, ठीक है, छोटा वाला, रेशियो एरिया 2, रेशियो एरिया 3, क्या होगा इनका रेशियो, मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं, अभी जो आपको 1:1:1 दिखाई दे रहा है ये सिर्फ आपको जितना दिख रहा है उतने पार्ट का है, मतलब जी वाला बन है ये सिर्फ इतने पार्ट का, लेकिन अगर मैं पूरे सर्कल की बात कहूं तो वो क्या हो जाएगा, देखो पहले वाले सर्कल का एरिया कितना है, 1 है। अच्छा, दूसरा वाला सर्कल, इस वाले सर्कल के अंदर तो पूरा आएगा ना, ये इसके अंदर तो पूरा आएगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसी तरह से मैं तीसरे सर्कल की बात कहूं तो वो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, टोटल मिला के 3 हो जाएगा इसका एरिया, ये हो गया एरिया का अनुपात। अगर यहां पे 4 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, कितने भी बना सकते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त। ओके, अब यहां पे 1, 2, 3 रेशियो, अब हमें कैसे भी करके रेडियस का अनुपात मिल जाए, अब रेडियस कैसे मिलेगी। अच्छा, एक बात बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, पाई आर स्क्वायर, 3 सर्कल है, ठीक है, ये R1 का है, ये R2 का है, ये R3 का है, तीनों रेडियस अलग अलग है, पाई से पाई, पाई पाई पाई, तो भाई 22/7, तीनों की वैल्यू सेम ही होगी, तो कट गई, अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, मतलब तीनों की त्रिज्या यहां से आ सकती है, त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, तो निकाल लेते, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है,
आर स्क्वायर इक्वल, देखो वहां पे कर क्या रहा हूं मैं वो बता देते, देखो पाई आर वन स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे, वन दिया हुआ है। पाई तो मेरा कट गया, कैसे कट गया, पाई कांस्टेंट है तीनों में कट रहा है, ठीक है पाई को हटा दो। आर स्क्वायर बराबर वन है तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, रूट के अंदर वन, और वन पे स्क्वायर लगा दो या मत लगाओ तो कितना बाहर निकलेगा, ओनली वन। तो वन तो अंदर रुकता नहीं है रूट के अंदर, ठीक है उस पर रुका नहीं जाता, तो ये तो हो जाएगा वन। लेकिन इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर टू। इसी चीज़ को मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि अगर आपको एरिया का अनुपात निकल गया, अगर आपका एरिया का अनुपात निकल गया या गिवन है, तो आप सीधे सीधे रूट लगा दो तीनों के ऊपर, तो हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस का अनुपात, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री। ये क्या है मेरा, रेडियस का अनुपात मतलब त्रिज्या का अनुपात निकल के आ गया, ठीक है कैसे निकला ऐसे। ओके अब हमें गिवन क्या है भाई, गिवन है हमें सबसे बड़े वाले सर्कल की, सबसे बड़े वाले सर्कल की 6 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब रूट थ्री की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, रूट थ्री इक्वल टू दे रखा है 6। तो वन रेशियो का मान कितना होगा, 6/√3। अब भाई रूट थ्री नीचे नहीं छोड़ेंगे, बेचारा है खो जाएगा, इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट थ्री से। तो यहाँ पे देखिए रूट थ्री और रूट थ्री कितना बना देगा, 3। रूट थ्री में रूट थ्री का मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई इस 3 का डिवाइड देंगे इसमें कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो फाइनल एक रेशियो का मान कितना होगा, 2√3 हो जाएगा। ये क्या 1 रेशियो का मान है। तो हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा छोटे वाले सर्कल की रेडियस, तो छोटा वाला कौन है, यही तो पहला वाला, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 का, ठीक है तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ये क्या हो गई, मेरी रेडियस हो गई। ओके ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस निकल के आ गई, ठीक है। अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई रहने दो, और आर स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, रूट थ्री से रूट कट जाएगा, तो 4 3 12, तो 12π इसका क्या होगा, एरिया होगा। और जो यूनिट है वो यूनिट चिपका दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है यहाँ पर भी 2√3 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी रेडियस है, और जब रेडियस त्रिज्या जब हमें मिल जाती तो हम एरिया बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। कोसेंट्रिक सर्कल, तो जब भी कभी आपको बोला जाए 3 छोटे छोटे सर्कल बनाए गए एक बड़े सर्कल के अंदर, या 4 सर्कल बनाए गए, तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। जब बोला, जब वो क्लियरली बोलेगा कि समान भागों में बांटे गए, जब भी आपको 1 1 1 रखना है, ठीक है समान भाग का मतलब है इक्वल एरिया यहाँ पे, तो 1 1 1 के रेशियो में कर लिया मैंने, फिर उसके बाद 1 2 3, क्योंकि पहला तो 1 हो गया, ये दोनों कवर करेगा तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, क्लियर। ओके चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 की कहानी सीखते हैं क्या बोल रहा है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 ने हमसे बोला एक वृत्ताकार रास्ते के अंदर, एक वृत्ताकार रास्ते के अंदर, ध्यान से देखना, एक वृत्ताकार रास्ते के अंदर और बाहरी, अंदर और बाहरी परिधियां 4466 दे रखी है, अंदर वाली और बाहर वाली, तो एक अंदर और बना लेते हैं इसके, ठीक है ये तो हो गया अंदर, अंदर वाली पर्दी कितनी दे रखी है 44, और बाहर वाली पर्दी कितनी दे रखी है 66, ये पॉइंट मान लो। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने बोला है तो वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल और चौड़ाई। अब एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ, जब हमें पर्दी गिविन होती है, सरकमफेरेंस गिविन होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप सीधे सीधे सिंपली कर सकते हैं, या फिर इसे 2πr के बराबर रख लीजिए, फिर इसे 2πr के बराबर रख लीजिए, r मिल जाएगा आपको, r मिलेगा इनका डिफरेंस निकल आएगा, फिर आप वहां से निकाल सकते हो दोनों चीज़, या फिर आप सीधे सीधे जो मैंने आपको लिखाया है एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एरिया इक्वल टू, एक बार तो इन्हें प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, तो प्लस करेंगे 66 प्लस हो जाएगा कितना 44, और उसके बाद 66 माइनस हो जाएगा 44, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4π। वैल्यू पुट कर दें, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 66 और 44 कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 एक कैरी, तो मतलब 11 इंटू करेंगे 66 में से 44 गए तो 22 हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो 4 है इंटू करेंगे, पाई की वैल्यू 22 होती है, 22 बट्टे का साथ कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, 22 से 22 कट जाएगा, 2 दुनी 4 होता है, 2 से ये 55 बार जाएगा, 55 का मल्टीप्लाई 7 में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 कि 5 × 3 = 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 38, 385/2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 हो गया, ठीक है, सॉरी 2 × 1 = 2, 1 = 2 हो गया, 2 × 9 = 18, 2×2 = 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिखा हुआ है कि नहीं, 44 देखिएगा, हाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्या एरिया, बहुत सिंपल है, सीधे सीधे आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको परदी गिवन होती है तब, सीधे सीधे आप ये भी निकाल सकते हो क्या उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, क्वेश्चन ने हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जब हमें सीधे सीधे परदी दे रखी है, तो हम कैसे निकालते हैं 66 − 44 दोनों के बीच में डिफरेंस और 2π, बस इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, 2π छोटी वाली चीज़ निकालने के लिए, 4π बड़े वाला जब हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, इस पार्ट का सिर्फ 2 से, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 22 बट्टे में हो जाएगा 2π है, पाई की वैल्यू 22/7, बट्टे का 7 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, 22 से 22 कट जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे 7 को तो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या है मेरी चौड़ाई, समझ गए, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 3.5 है, और इसका जो एरिया है, और वो एरिया कितना निकल के आया हमारे पास, एरिया निकल के आया 192.5 रेडियो FM है, तो 192.5 हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा, आप करना चाहो और भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया जब रेडियस गिवन होगी किस तरीके से जाना है, ठीक है, और जब हमें सर्कमफेरेंस परदी गिवन होगी तो किस तरीके से जाना है मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लियर, और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो तो लाइक तो कर ही दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आपके लिए है और आपका ही चैनल है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगी आपको सारी वीडियो सीरियल वाइज में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 7 देखिएगा ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं 7 ने बोला एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल है जिसमें नहाने जाते हैं, ठीक है, जिसका व्यास हमें दे रखा है 42, अच्छा तो व्यास मतलब डायमीटर दे रखा है कितना 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये देख लीजिए सेंटीमीटर लगा है, हाँ सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं, क्वेश्चन ने बोला इसके चारों ओर समान चौड़ाई का, इसके चारों ओर, तो इसके चारों ओर मतलब बाहर की साइड में, इसके चारों ओर समान चौड़ाई का, चौड़ाई देख लीजिएगा समान है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे, समान चौड़ाई का एक रास्ता है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल इसका हमें एरिया के बने, इस रास्ते का जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है 43π, कितना गिवन है 43π cm², ठीक है, तो हमसे पूछा तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अब हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ना हमारे पास सर्कमफ्रेंस ही दी इसने ढंग से, ना ही हमारे पास रेडियस दी, हम तो सिर्फ जब ही सीखे थे जब हमारे पास दोनों रेडियस होती थी तो हम निकाल लेते, ठीक है, और दोनों सर्कमफ्रेंस होती थी तो हम निकाल देते, लेकिन अब यहाँ पे कैसे भी करके मुझे क्या निकालना है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस निकाल लूँ, मतलब इसे कैपिटल R मान लेता हूँ, और इसे अगर मैं निकालूँ तो इसमें से अगर मैं 21 घटा दूंगा तो मेरा ये निकल आएगा
सीधी सी बात है, ये वाला पार्ट टी तो निकालना है, ठीक है, चौड़ाई निकालनी है। अब क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, वो क्या, इस बड़े वाले का एरिया, इस पूरे मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर, बड़े वाले की रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, इक्वल टू होगा छोटे वाले का एरिया तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 43 पाई, क्योंकि इसका तो हमें एरिया पता है, ये किसका एरिया है, ये छोटे वाले का एरिया है, ये किसका एरिया है, ये बड़े वाले, सिर्फ इस इतने पार्ट का एरिया जितना आपको दिख रहा है, सिर्फ उतने पार्ट का एरिया 43 पाई, और ये बराबर होगा इन दोनों के, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पाई कॉमन ले लो दोनों में से, हाँ पाई कॉमन ले लिया, 21 कितना होता है 441 प्लस ये कितना हो जाएगा 43, ओके तो पाई से पाई काट दीजिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा कितना 484, ये कितने का होता है भाई, ये होता है 22 का, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 484, और बाहर निकलेगा तो ये जादू हो जाएगा और बन जाएगा 22, और 22 सेंटीमीटर, ये क्या है मेरी रेडियस है, कौन सी वाली, ये वाली, जब ये निकल आई 22 सेंटीमीटर, तो अब हमें कोई नहीं रोक सकता आंसर तक पहुंचने से। अब हमसे पूछी गई है चौड़ाई, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे हम 22 में से जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 22, में से छोटे वाली की घटा दो 21, तो कितना बनेगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर का रास्ता बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, समझ गए, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, राइट आंसर 1 सेंटीमीटर है, बहुत सिंपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 की कहानी क्या बोल रही है और किस टाइप से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या बोल रहा है हमसे, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 3 मीटर है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 3 मीटर है, इसकी तो हमें सीधे सीधे रेडियस गिवन है 3 मीटर, ठीक है, आगे बोला क्वेश्चन ने, और इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता, और इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का कितना 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, कितना 1 मीटर, तो एक बात बताओ ये टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 + 1 कर लूँ तो 4 मीटर, मतलब बड़े वाले की जो रेडियस है 4 है, छोटे वाले की 3, क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला इस रास्ते पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंट बिछाने का खर्च क्या होगा, अब हमें निकालना है इसकी इसका एरिया, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आप लोगों को लिखाया हुआ है बेसिक वीडियो में, ठीक है, वो क्या होता है भाई, जब हमें रेडियस, अभी हमने सीखा था सर्कमफेरेंस वाला, अब जब हमें रेडियस गिवन होती है उस केस में इस पाथ का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, सिर्फ पाई लगा देते हैं और इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, बस काम खत्म हो गया, 4 और 3 देख लीजिए, 4 + 3 एक बार हो जाएगा 4 - 3, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू कर देंगे 4 और 3 = 7 मल्टीप्लाई 4 में से 3 गए 1, तो कितना हो गया 7 से 7 कट गया 1, तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 मीटर स्क्वायर इसका क्या है एरिया है पाथ का, ठीक है, इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो कितना है 22 है, अब क्वेश्चन बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपये लेता है, वो लेता है 10 रुपये, कितने 10 रुपीस, मतलब 1 मीटर के लेता है 10 रुपये, तो हमसे 22 मीटर के कितने लेगा, 22 मीटर स्क्वायर के कितने रुपये ले लेगा, तो 22 में गुणा कर देंगे इनटू 10 का, तो कितना हो जाएगा 220 रुपीस, यह हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है,
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिक पता हो, बाकी ये सारे क्वेश्चंस अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, मेंसुरेशन का डर ही खत्म करना है ना, तो आप नोट्स बनाइए पहले अच्छे से और उन्हें रिवाइज कीजिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है आज कर लिया कल भूल गए, वो चीज़ नहीं करनी है, प्रॉपर अगर टाइम दोगे तो सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ने हमसे बोला है एक पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो पहिया 500 चक्रों में कितनी दूरी चलेगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, कुछ भी नहीं है, पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ बेसिक। देखो एक मेरे पास पहिया है, ठीक है, अब ये रोड पर है, यहां से यहां तक रोड है, ठीक, और ये चल भी रहा है, इसकी ये रेडियस आर मान लो, ठीक है, और ये चल भी रहा है, मतलब इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से, तो वन चक्कर कब कंप्लीट होगा, एक चक्कर कब कंप्लीट होगा, जब यही वाला पॉइंट घूम कर दोबारा यहाँ पर पहुँच जाएगा और इसका जो रेडियस है वो बिल्कुल इसी पॉइंट पर आ जाए, तभी तो चल पाएगा। ये मत सोचना कि चलते चलते वो पिचक गया, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ कि ये कितना चलेगा, सिर्फ एक चक्कर की बात करो, एक राउंड में कितना चलता है, एक राउंड में उतना ही चलेगा जितनी इसकी परिधि है, क्योंकि यहाँ से चला ये वाला, पहले ये चिपकता चलेगा, देखो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर होगा, इस तरह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ा यहाँ तक पहुँचेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा फिर यहाँ तक पहुँचेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा फिर यहाँ तक पहुँचेगा, तो इस तरीके से ये जो है उतना ही चलता है एक चक्कर में जितनी इसकी सरकमफेरेंस मतलब परिधि होती है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता एक राउंड में या फिर एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, 2πr होगी, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, 2πr होगी, ठीक है। अच्छा मैंने बोला कि बहुत सारे चक्कर चल रहा है, तो मैंने बोला कि n चक्कर में n राउंड में चली गई दूरी कितनी होगी भाई, 2πr n, n क्या है यहाँ पे, n है चक्कर मतलब राउंड, ठीक है, तो n राउंड में चली गई दूरी कितनी होगी, इतनी, तो मतलब यहाँ से ये चल रहा है, ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या चला है, ये डिस्टेंस ही तो है भाई, एक चक्कर बोल लो या फिर डिस्टेंस बोल लो या फिर दूरी बोल लो, बात तो वही है, तो एन राउंड मतलब ये डिस्टेंस बराबर होता है 2πr n। अगर हमें कुछ चक्करों की दूरी निकालनी है तो d इज इक्वल टू निकालेंगे हम 2πr n। यहां पे n क्या है वो बता देता हूं मैं, n है मेरा चक्कर, ठीक है, एंड आर क्या है यहाँ पे, रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है, और हमारे पास पाई की वैल्यू तो गिवन होती है, डी इज इक्वल टू दूरी आप बोल सकते हो, डी क्या है मेरी डिस्टेंस दूरी, फटाफट से पहले इसे नोट कर लीजिए, तो याद रखना ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम का है, डी इज इक्वल टू 2πr n, कुछ नहीं है बस n लगा देना, d इज इक्वल टू 2πr n, बस आपको पता हो एक चक्कर में कितना चलता है, एक चक्कर में हमेशा कितना चलेगा एक सर्कल, वो अपनी परिधि के बराबर ही चलता है, और परिधि कितनी होती है 2πr होती है। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने क्या बोल रहा क्वेश्चन देखिएगा। चलो क्वेश्चन बोला एक पहिए की त्रिज्या हमें रेडियस गिवन है, रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस गिवन है, तो पहिया 500 चक्करों में कितनी दूरी चलेगा, 500 चक्कर में चक्कर क्या होते हैं, एन होता है, तो कितने 500, 500 राउंड में कितनी दूरी चलेगा, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, डी इज इक्वल टू 2πr n, ठीक है, तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, 2 तो पता ही है, पाई पता है 22/7, रेडियस पता है हमारे पास कितनी है 28 है, चक्कर पता है हमें कितने हैं 500 हैं, तो बस कैलकुलेट कर लो, फिर सब काम में देरी क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो 7 से काट देते हैं, 7 × 28 22 दुनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 में गुणा कर देंगे 4×5 = 20, तो मतलब 2000 का, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 44 × 88, तो कितना हो जाएगा
88, 1, 2, 3 और ये किस में होगा, यूनिट ध्यान से रखना, इसमें यूनिट बहुत काम की होती है, यूनिट सेम करो, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर, 88,000 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे मैं ये बात करता कि इसे मीटर में निकालो, तो मीटर में निकालने के लिए क्या कर देता, 8, 1, 2, 3 डिवाइड कर देते हम किससे, 100 से, तो ये क्या बन जाता मेरे पास, 880 मीटर। ये भी हमारा आंसर सही है। और अगर मैं ये तो हम मीटर में निकाला और ये जो है किलोमीटर में निकालने को बोलता, तो क्या करते, 880 को ही डिवाइड कर देते हम किससे, 1000 से। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीन डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.88, बोल सकते हैं 0.88 किलोमीटर। ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। और जिस यूनिट में पूछेगा उस यूनिट में हमें आंसर देना होगा, समझ गए। और वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन किस यूनिट में वैल्यू पूछ रहा है मेरे पास। फटाफट से नोट कीजिएगा, ये बहुत काम का है, जब भी किसी को चक्कर चलाना हो तो इस फॉर्मूले को याद रख ले, ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन में चक्कर हो, ठीक है। चलो, इनमें से हम दो चीज़ें तीन चीज़ें गिवन होती हैं, देखो डी निकाल सकते हैं, बाकी की जब ये दे रखी हो, आर निकाल सकते हैं जब हमें डिस्टेंस और एन दे रखी हो, चक्कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हर जगह पर काम में आते हैं इन तीनों में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 क्या बोल रहा है, 10 ने बोला एक पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है, एक पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है, ठीक है। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने होंगे, हमसे चक्कर पूछा है, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस पता है 35 है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में है, सॉरी 35 मीटर हमें गिवन है। तो 11 किलोमीटर ये क्या है मेरी डिस्टेंस है, कितनी दे रखी है, 11 किलोमीटर दे रखी है, ओके। और हमसे पूछा गया है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पर सबसे पहले तो यूनिट ही सेम करनी पड़ेगी, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, 1000 का, तो ये क्या बन जाएगा, 11,000 मीटर, समझ गए। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना फॉर्मूला क्या कहता है, डी इज इक्वल टू 2πrn, ठीक है। डिस्टेंस कितनी भाई, यूनिट सेम करके चलना है हमेशा, ठीक है, 2 × π की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 35, चक्कर तो हमें निकालना है भाई, ठीक है, 7 से काट दें, 7×5=35, 11 से देखो 11 से काटेंगे तो 11×2=22, यहाँ पर कितना बचा, 1000 बचा है, ठीक है। तो 2×2=4, 4×5=20, या फिर 5×2=10, 10 हटा दो, 2 से काट देंगे कितनी बार, 50 बार, तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 50, 50 क्या है ये, 50 चक्कर है, और चक्कर में कोई यूनिट नहीं चिपकानी, ठीक है, ना मीटर ना सेंटीमीटर, क्योंकि चक्कर हैं, कितने चक्कर लगाएगा वो, 50 चक्कर इतनी दूरी तय करने में, ठीक, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी चक्कर पे से ही, थोड़ा सा अलग है, जो कि थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन है बहुत सिंपल, टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहा है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, पहिया 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है, रेडियस हमें गिवन है कितनी, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है, एक जो पहिया है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है भाई, 10 चक्कर, ठीक है, यह हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो 2640 की दूरी, कितनी दूरी मतलब डिस्टेंस दे रखी है, 2640
कि दूरी मीटर की दूरी, तो मीटर से किलोमीटर सेंटीमीटर में पहुंच जाते हैं, तो इन टू कर देते हैं 100 अभी, तो कितना हो जाएगा 264000, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया क्लियर। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, यहाँ पे टाइम पूछ लिया भाई। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम, लेकिन टाइम निकालना तो हमने सीखा ही नहीं, तो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, टाइम निकालना है कैसे भी करके। एक चक्कर एक मिनट में चलता है कितना, 10 चक्कर। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, वन राउंड में एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, 2πr होती है। क्या r गिवन है मेरे पास, हाँ गिवन है, अपना काम बन गया। तो वन राउंड में कितना चल रहा है भाई, 2 × π की वैल्यू 22/7 इंटू कितना है 21, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6, तो कितना हो जाएगा, वन राउंड में चल रहा है इज इक्वल टू 2 × 3 = 6 × 22, ये इतनी दूरी चलता है एक राउंड में। ठीक है, एक राउंड में इतनी चल रहा है, क्वेश्चन ने बोला 10 चक्कर लगाता है जी, कितने चक्कर लगा रहे हैं 10 चक्कर, तो 10 राउंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 10 राउंड में चली गई दूरी कितनी होगी 6 × 22 × 10, इतनी दूरी होगी। तो 10 राउंड में इतनी दूरी ये चल लेता है, 10 राउंड में कितनी दूरी चल रहा है, इतनी दूरी। अब टोटल देखो, अच्छा 10 राउंड कितनी देर में चलता है, यही मैं बात करूँ तो ये इसे लगते हैं ओनली 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 राउंड चलता है और 10 राउंड में इतनी दूरी चलता है। तो इसे ये वाली जो डिस्टेंस है इसे अगर मैं इससे भाग दे दूँ तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर है 1 मिनट, और डिवाइड देते ही हमारा आंसर जो आएगा वो मिनट में आएगा, क्योंकि मिनट के बराबर है। ठीक है, और मिनट में आएगा, फिर हम ऑप्शन घंटे में पूछे मिनट में वो बात की बात है। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 264000 डिवाइडेड बाई कितना है 6 × 2 × 6 × 2 × 10, 10 से 10 गया। ठीक है, 22 से एक काम करते हैं, 22 × 1 = 22 हो गया, 22 × 2 = 44 हो गया, 2 0 हो गए। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 12 मतलब 200, ये किस में होगा, मिनट में, मिनट में इसलिए होगा क्योंकि ये जो है पूरा 1 मिनट के बराबर है, तो इससे मैंने डिवाइड किया तो 200 आए। ऐसे ऐसे इसमें कैसे मतलब इस टाइप की जो वैल्यू है वो इसके अंदर कितनी है, 200 है, तो 200 है तो 200 मिनट हो जाएंगे क्योंकि 1 मिनट की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 मिनट, लेकिन जरूरी नहीं है आंसर में आपको 200 मिनट दिया हो, ये आपको घंटे में भी दे सकता है, तो टाइम इक्वल टू हम ये भी बोल सकते हैं, तो 36 × 18 एक घंटे में कितनी 60 मिनट, 36 × 18 मतलब 3 घंटे 20 मिनट हो जजाएगा, कितना हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट भी हम इसे बोल सकते हैं, समझ गए। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो सकता है जो ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, 200 मिनट ही मैंने लिख दिया, 3 घंटे 20 मिनट, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो जब भी कभी टाइम का क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले, सॉल्व तो अपने आप हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, आ गया समझ में, बोलो हाँ, अगर आ गया तो लाइक कर दो और जो दिल कहे वो कमेंट कर दिया करो। कोई बात नहीं, सब कुछ आ जाएगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 क्या बोल रहा है हमसे वो देखते हैं। 12 ने हमसे बोला एक घिरनी, शेरनी मत समझना, घिरनी है, का व्यास हमें दे रखा है 10.5। घिरनी क्या होती है, एक कुआ होता है ना, कुएं के ऊपर जो व्हील सी होती है जिससे हम पानी निकालते हैं वो होती है घिरनी, का व्यास हमें दे रखा है कितना 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक कुआ है, मैं मान लेता हूँ ये कुआ है, बनाने तो नहीं आता लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ, सिलेंडर क्यों बन रहा है, मतलब इस तरीके से एक कुआ है और इसमें जो है पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर ये एक चक्री लगी हुई है जिसे हम बोलेंगे घिरनी, और यहाँ से एक रस्सी है और उसमें एक बाल्टी लगी हुई है,
ठीक है, हो गया 3D। चलो ठीक है, अब यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर इस रस्सी को खींचेगा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे देखिएगा। कुएं की गहराई, गहराई दी है मतलब ये वाली कितनी दी गई हमें, 24.75 एक इसमें मीटर में, ठीक है। और ऊपर जो हमें दिया 10.5 सेंटीमीटर, क्या है इसका व्यास है, d इज इक्वल टू दे रखा है कितना 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू निकल के आ गया 10.5 बाई 2। ये सेंटीमीटर में, तो एक काम कीजिए इसे सेंटीमीटर में बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2475 सेंटीमीटर। समझ गए, ये सेंटीमीटर में हो गया, ये सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये चक्री क्या होगी, ये बाहर की तरफ खींचेंगे तो कितने राउंड लगाएगी चक्री, उतने ही राउंड लगाएगी, यही तो दूरी तय करेगी भाई, दूरी तो यही तय कर रही है रस्सी के थ्रू, तभी तो चक्कर चलेंगे। तो अब यहाँ से हमें निकालना क्या है वो देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल सा, डी इज इक्वल टू होता है 2πrn, चक्कर हमें निकालने हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है भाई, दूरी कितनी है, 2475 इक्वल टू 2 पता है, पाई पता है क्या, हाँ 22/7 हमें तो पता है। आर कितना है भाई, 10.5 बाई 2, और हमें निकालना क्या है, एन मतलब चक्कर। अब इसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को उठा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे बट्टी में आ जाएगा 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 2 से काटेंगे 2 से 10 बार, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 10, 7 से काटेंगे 7 × 3 = 21, ठीक है, 2 से काटेंगे 11, ठीक है। अब एक काम करते हैं 11 से काट लेते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 × 2 = 22 हो जाएगा, फिर 11 × 2 = 22, बचे 5, तो 11 × 5 = 55, तो हमारे पास बचता है 225 इक्वल टू, 11 तो कट गया, 3 और ये n, 3 से दोबारा काट दो, 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो 75 n, 75 क्या है, 75 चक्कर में क्या होगा, आपको पानी मिल जाएगा पीने के लिए, तो 75 हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या बोल रहा है, एक घोड़े को एक रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया, ठीक है। एक खंबा में मान लेता हूँ, एक ये खंबा लगा हुआ है, 3D तो नहीं बना सकता, मान लीजिए खंबा है, और इससे मैंने एक रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया। अब घोड़ा तो बना नहीं सकता हूँ मैं, फिर भी ट्राई करता हूँ, चलो ये समझ लो ये घोड़ा है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अब इस घोड़े ने क्या किया, चरना स्टार्ट किया, यहां से घास पड़ी हुई है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल रहा है, एक खंबा है, खंबे को रस्सी की सहायता से घोड़े को बांध दिया, हमने भी बांध दिया। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर का चाप, मतलब एक चाप इस टाइप का होता है, तो ये कितना है? 88 मीटर है, ठीक है। एक पूरा सर्कल खाना चाहता तो वो खा सकता था पूरा सर्कल, क्योंकि गोल गोल तो घूम ही सकता है, लेकिन उसने सिर्फ अभी 88 मीटर के चाप के बराबर ही खाया है। आगे देखते हैं, तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, जो केंद्र है मेरा, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं,
जो केंद्र है मेरा वहां से कितना बनाता है भाई 72 डिग्री का कोण, कितनी डिग्री का 72 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब मुझे ये पता है, ये आर्क की वैल्यू पता है और हमें 72 डिग्री थीटा पता है, और हमसे पूछ लिया गया है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी इस पॉइंट को, वो मान लो। तो हमसे पूछ लिया गया तो रस्सी की लंबाई क्या होगी, रस्सी की लंबाई उतनी होगी जितना वो मैक्सिमम दूर से दूर जा सकता है, दूर से दूर यहीं तक आ सकता है, बस बात खत्म हो गई। अब रेडियस पूछी गई है तो रेडियस निकालनी। अब आप लोगों को मैंने बताया होगा यहाँ पे एल इज इक्वल टू, अगर नहीं बताया तो ध्यान से रखना, जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क की बात करूँ, लेंथ ऑफ आर्क जो कि ये कट है, ठीक है, क्या हो जाएगा थीटा बाई 360। थीटा क्या है मेरा, जितने डिग्री कोण का बनाया, और पूरा सर्कल कितने का होता है 360 का, लेकिन वो खा सकता था कितना पूरा, लेकिन उसने खाया कितना ओनली 88, तो मतलब पूरा कितना होता है 2 पाई आर वो खा सकता था पूरा। लेंथ ऑफ आर्क कितना गिवन है हमारे पास 88 इज इक्वल टू थीटा कितना गिवन है 72 डिवाइडेड बाई 360 एंड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, और हमें रेडियस ही तो निकालनी है भाई, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 36 से काट दें, 36 10 बार 36 दुनी 72, ठीक है, 2 से काट दें, 2 पंजे 10, ठीक है। अब नीचे 5 बचा, ये तो 22 दुनी कितना होगा 44, 22 दुनी 44 और 44 दुनी 88, 5 7 35, 35 2 70, तो मतलब 70 सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर हो मीटर हो, इज इक्वल टू क्या है मेरी रेडियस। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये दी गई मीटर में यूनिट, तो मीटर लगा लीजिए, ठीक है, जो भी यूनिट होती है बस उसी को लगाते हैं, लेकिन याद रहे जब एरिया हो तो स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। 2D की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, फटाफट से नोट कीजिएगा, तो ये चल लेगा, फिर दूसरी जगह पे नंबर लगाएगा, फिर हमसे बोलेगा अब निकालो कोण, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलो 13 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 14 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 ने क्या बोला है हमसे। 14 में दिया हुआ एक 352 सेंटीमीटर परिधि वाला वृत्ताकार चादर, एक परिधि क्या होती है भाई वृत्ताकार की 2πr, और 2πr हमें दे रखा है किसके बराबर, हमें क्वेश्चन में गिवन है 352, कितना 352। अच्छा दो से काट दूं, दो से दो एकम दो, दो सात 14 है, दो छिंग 12, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना है 176, तो 22 से काट दूं, 11 से, 11 दुनी 22, 11 एकम 11, 11 छिंग 66, ठीक है। 2 से 2 8 16, 7 8 56, 7 का गुणा कर दो, तो रेडियस यहां से निकल के आ गई 7 8 56 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 56 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चादर में से दो बड़े से बड़े वृत्ताकार प्लेट काट दी जाए, कितनी दो, कितनी काटी जा रही है दो काटी जा रही है, तब प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या और परिधि क्या होगी, तब प्रत्येक प्लेट की मतलब एक प्लेट की, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है भाई 56 है, ठीक है, 56 सेंटीमीटर। अब इसमें बड़े से बड़ी जब दो प्लेट बनेंगी ना, तो इस तरीके से दो प्लेट बनेंगी, एक बन गई और दोनों बराबर की बनेंगी, ठीक है, बड़ी से बड़ी, अब ये बन गई। अब एक बात बताओ जी, ये इसका व्यास जो इस छोटे वाले रेडियस छोटे वाले सर्कल है उसका व्यास जो हमें दिया 56 है, 56 है, मतलब टोटल दिया हुआ है 56, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगी रेडियस, 28 दुनी 56, तो ये भी 28 होगी और ये भी 28 होगी और ये भी 28 होगी, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी निकल के आ गई, रेडियस आ गई 28। अब हमसे क्या पूछा है, परिमाप मतलब सर्कमफ्रेंस या फिर एरिया, तो हमसे परिधि पूछी गई, परिधि क्या होती है, परिधि होती है जी 2πr, वैल्यू पुट कर देते, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है मेरा 22/7 इंटू कर देंगे, रेडियस कितनी है भाई मेरी, रेडियस तो छोटे वाले की 28 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 हो गया, 22 दुनी 44, 44 इंटू
चार कर देंगे तो चार चौक 16 हो जाएगा, 6 एक कैरी, चार चौक 16 और एक 17, 176 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, तो 176 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका जो आंसर है। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या बोल रहा है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीजें ठीक से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ने हमसे बोला है वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की सीट, चतुर्थांश मतलब 1/4 क्वाड्रेंट जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 90 डिग्री का जो बनता है, परिमाप दे रखा है उसका 75 सेंटीमीटर और क्वेश्चन ने उसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो देखो सबसे पहले एक सर्कल है और उसका 1/4 पार्ट पूछा है, तो मतलब ये वाला चतुर्थांश ही तो पूछा है। ठीक है, अब इसका हमें दे रखा है परिमाप, परिमाप आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने कराया है, परिमाप क्या होता है याद करने की जरूरत थोड़ी ना। कौन सा वाला पार्ट है ये, 1/4 पार्ट है और कितने का टोटल, कितने का होता है सर्कल का, 2πr होता है प्लस ये वाली r हो जाएगी और ये वाली r हो जाएगी, भाई ये भी तो परिमाप होंगे। ये जो निकला है वो सिर्फ इसका है, इस वाले आर का समझ लो, और ये आर प्लस आर 2R इक्वल टू किसके बराबर दिया है, 75 सेंटीमीटर के। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 से काट दे, 2 जा 4 हो गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 आर प्लस 2R इक्वल टू 75। सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 11R हो गया, तो 11R बाई 7 प्लस 2R इक्वल टू कितना है, 75। एक बात बताइए, 7 × 2 = 14, ठीक है, 7 × 2 = 14 और 11 कितना हो गया, 14 × 11 = 25, तो मतलब 25 25R बाई 7 इक्वल टू कितना है, 75। तो 25 से ये काट दूँ, 25 × 3 = 75 और 7 × 3 = 21, 7 का गुणा हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 21 सेंटीमीटर, रेडियस तो निकल आई भाई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस 1/4 पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21 ये हमें सॉल्व कर लेना है। 7 से काटेंगे, 7 × 3 = 21 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 11 बार कट जाएगा। ठीक है, 21 × 3 = 63 तो इज इक्वल टू में 11 × 63 और ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 6 / 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 होता है, 2 × 4 = 8 और 2 × 6 = 12.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेंट के ऊपर है जो कि मैंने आप लोगों को बेसिक वीडियो में बताया है। ठीक है, नोट कीजिएगा, ये था इसका परिमाप, परिधि और वो एरिया है। ठीक है, चलो तो फिर अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मतलब सर्कल और ट्रायंगल को मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलता हूँ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और नोट्स बनाना अगर सीखना है तो आपको। ठीक है, बाय, टेक केयर।